मुल्क भर से जो लोग मिल्लत का और इस मुल्क का दर्द अपने दिल में रखते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के यहाँ जमा किया। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मेरे से सब ज्यादातर यहाँ सीनियर लोग, एक्सपीरियंस लोग, हर फील्ड के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उन सब की के जज्बात के साथ अपने जज्बात जोड़ता हूँ। और इस मीटिंग से, इस कॉन्फ्रेंस से जो भी आउटकम निकले, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बड़े लीगल लुमिनरीज हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी अपनी लगा दी है, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क पर जब जब कभी कोई ऐसी बात आई है, हमला हुआ है, लोगों को बांटने की कोशिश हुई है, तब चट्टान की तरह खड़े रहे। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की और हम लोगों की कि पिछले कुछ सालों में ऐसे ही लोगों को नज़रबंद किया गया, जेल में रखा गया, और आज भी वो दौर चल रहा है। मैं देख रहा था जो चार्ट सामने है, उसमें सबसे बड़ी जो अहम ज़रूरत है वो लीगल फ्रेमवर्क की है। और आप ये देखिए कि आज जिस तरीके से हम लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है, जो गलत झूठे केसेस में हमारे नौजवानों को जेलों में सड़ाया जा रहा है। मैंने पिछले सेशन में 2019 में मैंने एक सवाल पूछा था लॉ मिनिस्टर से कि साहब जरा ये बताएंगे कि जेलों में कितने लोग वीकर सेक्शन के हैं। तो बोले हम रिलीजियस काउंट नहीं करते, लेकिन अभी पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था एनसीआरबी की कि उसमें आया कि 73% लोग अगर जेलों में हैं तो वो वीकर सेक्शन के हैं, जो वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं। और अगर प्रोपोर्शनेट की बात करें तो हमारा सबसे अच्छा प्रोपोर्शनेट मोर देन आवर पॉपुलेशन अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान की जेलों में, क्योंकि अब आपका पॉलिटिकल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की तो बात भूल जाइए। क्योंकि जो अभी लेटेस्ट जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन ने किया वो एक शुरुआत है, आने वाले वक्त में हम लोग भी नहीं बचने वाले हैं। तो बहुत, मतलब मैं कहूंगा हिंदी का अल्फाज होता गंभीर चिंतन की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आज ये शुरुआत है, कम से कम एक ग्रुप जो यहां बनाने की बात की जा रही है उसमें सब फील्ड्स के लोग रहेंगे, तो अच्छा रहेगा कि हम जैसे नौजवानों को भी जो चुन करके पार्लियामेंट में आए हैं उनको भी फीडबैक देने की, उनको भी गाइडेंस देने की ये ग्रुप जो है ये एक एक प्रेशर ग्रुप और पॉलिसी ग्रुप होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।